मॉर्निंग ऑडियो क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई गुड मॉर्निंग रूपम योगेश दिनेश रुचि चलिए आप एप्लीकेशन लेयर में गेट सेलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पढ़ना है उसको एक बार देखते हैं ठीक है ना देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है और इसमें क्या है ना कि एक बार आपने अगर देखा है सुना है तो क्वेश्चन बन जाएगा इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने कहीं पर देख रखा है सुन रखा है तो एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है और वो आप इमिडिएटली बना दोगे ठीक है ना तो देखिए जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग डील करेंगे दैट इज द एस टी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल दूसरा जो टॉपिक है जो इसके अंदर हम लोग डील करेंगे दैट इज द एफ ठीक है ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तीसरा जो प्रोटोकॉल है दैट इज द ईमेल सर्विसेस ईमेल सर्विसेज, ठीक है एंड द फोर्थ टॉपिक इज द डीएनएस डीएनएस ये चार टॉपिक है जो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आवर गेट सर ओके ट्रांसपोर्ट लेयर में सेकेंड पार्ट वाला सेशन अपलोड नहीं हुआ है क्या चलिए एक बार मैं उसको रेक्टिफाई करवाता हूं रुचि ठीक है ना अगर कोई अपलोड नहीं हुआ है तो एक बार मैं बात कर लूं और बात कर कर करके मैं उसको इमेडिएटली आजकल में ही करवा दूंगा हालांकि मैंने मेल डाल दिया था इस चीज़ को लेकर करके इस चीज़ को लेकर के मैंने ऑलरेडी जो क्लास प्लस है जिसके थ्रू ये ऐप चलता है उसको मैंने ऑलरेडी मेल ड्रॉप कर दिया था कि इसका वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो मैं इसको एक बार देख लेता हूं मैं उसको देख लेता हूं रुचि ठीक है तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और जो भी वीडियो आपके अपलोड नहीं हुए हैं वो आज ही मैं क्लास के बाद कम्युनिकेट कर 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 करके एनी हाउ मैं उसको अपलोड करवा दूंगा रूपम और लिकी बकेट ठीक है ना Uh, देखिए उतना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 32 सालों में दो बार क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्किप किया हुआ है अगर बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जहां से पिछले बत्तीस uh, सालों में सिर्फ दो बार क्वेश्चन आया हुआ है तो बहुत ज्यादा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया इफ यू वॉन्ट डेफिनेटली आई विल टीच यू ठीक है चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस टी टीपी ठीक है ना हाइपर एक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ठीक है चलिए तो क्या काम है भाई देखिए हमारे पास वेब सर्वर है ठीक है ना ये हमारा हो गया वेब सर्वर ठीक है ना दिस इज सर्वर वेब सर्वर का मतलब क्या होता है जहां से आप वेब पेज एक्सेस करते हैं ठीक है ना और एक साइड है हमारा क्लाइंट ठीक है ना ये एक साइड है हमारा क्लाइंट ठीक है ना दिस इज द क्लाइंट अब इस क्लाइंट को इस वेब सर्वर से कोई भी पेज एक्सेस करना है समझना बात को कोई भी पेज एक्सेस करना है तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा और वेब सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा ठीक है ना तो क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द वेब पेज ठीक है ना वेब पेज के लिए क्लाइंट क्या कर रहा है सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है ठीक है ना सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है ठीक है तो सर्वर आपको उसके बिहाफ पे क्या करेगा एक रिस्पॉन्स देगा ठीक है ना रिस्पॉन्स देगा मीन द सर्वर वेब सर्वर इज बेसिकली रिस्पॉन्डिंग वॉट एवर द वेब इज़ यू हैव क्वेरीड फॉर ठीक है ना तो सर्वर यहां पर क्या कर रहा है सर्वर इज रिस्पोंडिंग रिस्पॉन्डिंग रिस्पोंडिंग वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर वेब पेजेस रिक्वेस्टेड फॉर जिस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट हुआ है उसके लिए ठीक है ना वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो देखिए ये भी एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है यस और नो ये भी एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमें कोई ना कोई पोर्ट नंबर यूज करना पड़ेगा तो यहां पर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जो पोर्ट एड्रेस है जो पोर्ट एड्रेस है वो क्लाइंट जो है यूज करता है दैट इज नथिंग बट 80 ठीक है ना तो एचटीटीपी कनेक्शन में जो पोर्ट एड्रेस यूज होता है कहां पर ये पोर्ट एड्रेस कहां पर यूज होगा भाई टीसीपी कनेक्शन में तो टीसीपी कनेक्शन में जो पोर्ट एड्रेस हमारा यूज होने वाला है दैट इज नथिंग बट 80 ठीक है दैट इज नथिंग बट 80 क्लियर है ठीक है ना तो एचटीटीपी इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल टू एक्सेस द वेब पेजेस तो सिंपली हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ठीक है ना एस टी एस टी इज अ प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल टू एक्सेस एक्सेस वेब पेजेस वेब पेजेस ठीक है वेब पेजेस को एक्सेस करने का ये क्या है सिंपली एक प्रोटोकॉल है ठीक है तो देखिये एस जो होता है वो बेसिकली टीसीपी कनेक्शन को यूज करता है ठीक है ना टीसीपी कनेक्शन विद द पोर्ट एड्रेस 80, ठीक है ना तो एस जो प्रोटोकॉल है वो दो तरीके से डिफाइन होता है ठीक है ना एस टी टीपी प्रोटोकॉल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ठीक है ना तो एस कनेक्शन के बारे में हम लोग बात, लो बात कर रहे हैं ठीक है ना एस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं एस जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली दो तरीके से डिफाइन होता है सबसे पहला होता है नॉन परसिस्टेंट देखिए परसिस्टेंट कोई नया टर्म नहीं है ऑलरेडी हम लोगों ने सुना है परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है समथिंग हैपनिंग कंटिन्यूसली आप पढ़े थे ना मीडिया एक्सेस कंट्रोल में नॉन परसिस्टेंट परसिस्टेंट पी परसिस्टेंट ठीक है ना तो एक हमारा एसटीटी कनेक्शन होता है नॉन परसिस्टेंट टाइप और दूसरा जो कनेक्शन होता है दैट इज द परसिस्टेंट टाइप ठीक है ना तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट देखिए नॉन परसिस्टेंट परसिस्टेंट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, का मीनिंग होता है तो का मतलब क्या हो जाएगा ठीक है ना? तो में क्या होता है कि हर एक पेज के लिए करना होता है. Suppose, अगर मुझे वेब पेजेस से पांच फाइल डाउनलोड करना है तो हर एक फाइल के करिस्पॉन्डिंग एक एस कनेक्शन क्या होगा बनेगा ठीक है ना दैट इज परसिस्टेंट कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं होता है कनेक्शन सेम द एंटायर सेशन जब तक आप वेब पेजेस का काम कंप्लीट नहीं करते तब तक यह कनेक्शन बना हुआ रहेगा सपोज आई द सर्वर एंड आई हैव लाइक मैंने 15 मिनट तक एक्टिविटी किया तो 15 मिनट तक लगातार एक ही टीसीपी कनेक्शन बना हुआ रहेगा ठीक है।, है ना फॉर ऑल द वेब पेजेस लेकिन यहां पर क्या है नॉन परसिस्टेंट के केस में क्या है कि अगर आपने टीसीपी कनेक्शन बनाया तो फॉर इच वेब पेजेस यू हैव टू मेक अ वन टीसीपी कनेक्शन बात समझ में आ रहा है तो ये हो गया हमारा नॉन परसिस्टेंट दूसरा हो गया परसिस्टेंट ठीक है ना तो वन टीसीपी वन टीसीपी

एक्सेस एक्सेस फाइव पाइप तो यहां पर कितना कनेक्शन चाहिए होगा फाइव टी कनेक्शन इज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड ठीक है ना पांच टीसीपी कनेक्शन यहां पर चाहिए होगा तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन परसिस्टेंट ठीक है ना नसिस्टेंट का मतलब क्या होता है वी आर टॉकिंग द परसिस्टेंट वट इज द मीनिंग ऑफ द परसिस्टेंट ठीक है ना वन टीसीपी कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर सेशन ठीक है ना वन टीसीपी कनेक्शन इज नीडेड नीडेड फॉर एंटायर सेशन एंटायर सेशन ठीक है चलिए इसको नोट डाउन करिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एस टी टीपी प्रोटोकॉल में कुछ इंपॉर्टेंट कमांड यूज होते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है ठीक है ना क्योंकि कमांड से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे गेट पे पूछा जाता है कि ये कमांड किस प्रोटोकॉल में यूज होगा एस में एफ में ईमेल सर्विसेस में कहां पर डीएनएस में डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना तो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है जो एस प्रोटोकॉल यूज करता है ठीक है ना कमांड्स यूज बाय एस प्रोटोकॉल ठीक है एस प्रोटोकॉल ठीक है इसका मैं नोट्स भी आपको सेपरेटली शेयर कर दूंगा ठीक है ना तो यहां पर कुछ कमांड है जो एस प्रोटोकॉल यूज करता है सबसे पहला है गेट कमांड ठीक है ना उसके बाद है पुट कमांड ठीक है ना उसके बाद है पोस्ट कमांड ठीक है ना इसके बाद है ट्रेस कमांड ठीक है देन डिली कमांड ठीक है ना इस तरह से कुछ हमारे पास कमांड है जो एस कनेक्शन क्या करता है यूज़ करता है, ठीक है ना एक है हमारा ठीक है ना ऑप्शन ठीक है ना ये पूरा आप डिलीट करके लिखिए और लास्ट जो कमांड है दैट इज द ऑप्शन ऑप्शन ये पांच कमांड है और भी बहुत सारे कमांड है लेकिन दीज आर सब इंपॉर्टेंट कमांड यूज बाय द एस ठीक है ना गेट पुट पोस्ट ठीक है ना ट्रैश डिलीट ठीक है ना एंड ऑप्शन ठीक है तो इंडिविजुअली ये सारे कमांड क्या काम करते हैं अगर हम लोग गेट की बात करें तो ठीक है ना गेट हमारा जो कमांड है ठीक है देखिए ये सब थ्योरेटिकल है तो मुझे भी बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है ठीक है तो मैं इसको देख करके ही बता रहा हूं ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूं ठीक है एक थ्योरेटिकल कमांड्स है और ये कमांड्स के बारे में आपको याद ही होना चाहिए ठीक है ना अब सी प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स है अगर आपको याद नहीं है आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे ठीक है ना अब उस सिंटेक्स के बेसिस पे हम आगे कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं बट द कमांड यू हैव हैव टू टू लाइक यू कीप इन योर मेमोरी ठीक है ना आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं जैसे गेट कमांड की बात करें तो गेट कमांड जो है टू सेंड द रिक्वेस्ट इसका मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा ठीक है ना गेट कमांड जो है वो क्लाइंट यूज करता है रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए किसको सर्वर को सो वेन एवर द क्लाइंट विल रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वेब पेजेस द क्लाइंट विल यूज द गेट कमांड ठीक है ना टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर सिमिलरली अगर हम लोग पुट कमांड के बारे में बात करें ठीक है ना तो पुट कमांड जो है ठीक है ना ये बेसिकली डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए यूज होता है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए ठीक है ना ये जो है ये रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होता है शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे ताकि आपको याद रहे ठीक है ना तो गेट कमांड बेसिकली ऑल दिस कमांड्स आर यूज्ड बाय द क्लाइंट ठीक है ना ये जितने भी कमांड है

तो अगर आप गेट कमांड यूज कर रहे हो मीन यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर वेब पेजेस थ्रू द सर्वर ठीक है ना पुट कमांड यू आर सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू द सर्वर सपोज इफ यू वॉन्ट टू सेंड सम स्पेशल इंफॉर्मेशन टू द सर्वर देन यू विल यूज द पोस्ट कमांड ठीक है ना तो ये किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए हम लोग पोस्ट कमांड यूज करते हैं क्या करते हैं पोस्ट कमांड को यूज करते हैं एनी इंफॉर्मेशन सेंड बाय द क्लाइंट टू सर्वर ठीक है ना उसके लिए हम लोग पोस्ट कमांड यूज करते हैं ट्रैस जो कमांड है ये बेसिकली ट्रैक करने के लिए होता है लाइक like, ये debugging के लिए बेसिकली यूज होता है है ठीक ना ये डिबॉगिंग के लिए यूज होता है सपोज इफ द क्लाइंट टू चेक कि सर्वर जो है वो रनिंग मोड में है या नहीं है अगर क्लाइंट को चेक करना है कि सर्वर जो है वो रनिंग मोड में है या नहीं है तो उसके लिए कौन सा वो कमांड यूज करेगा ट्रैस ठीक है ना दूसरा डिलीट मींस अगर क्लाइंट के पास ऑथोरिटी है किसी भी वेब पेजेस को डिलीट करने का तो वो उसको डिलीट कर सकता है है नाम से ही लग रहा इफ द क्लाइंट आपके पास ऑथोरिटी होगा कोई भी पर्टिकुलर वेब पेजेस को डिलीट करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिलीट कमांड द डेवलपर विच इज एक्टिंग लाइक अ क्लाइंट कैन डिलीट द पर्टिकुलर वेब पेजेस ठीक है ना ऑप्शन फील्ड ऑप्शन फील्ड से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं तो चेक डिटेल डिटेल ऑफ़ ऑफ़ वेब वेब पेजेस पेज ठीक है ना अगर आपको देखना है कि कोई भी वेब पेजेस का बैकग्राउंड कोडिंग क्या लिखा हुआ है आप कभी भी क्या करना ब्राउजर में जाकर करके जो ऊपर में चार डॉट होता है ना राइट साइड में उस चार डॉट पे क्लिक करना तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे ना तो आपको डिलीट करने नहीं देगा बिकॉज दैट वेब पेजेज इज नॉट मेड बाय ठीक है ना तो वहां पर दिखाएगा अनऑथराइज एक्टिविटी और वहीं पर एक ऑप्शन भी होता है ठीक है ना इस नाम से ऑप्शन के नाम से तो ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे ठीक है ना तो उस वेब पेजेस के पूरे डिटेल को आपको वो दिखाएगा कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है इसका बैकग्राउंड कोडिंग क्या है एवरीथिंग विल बी शोन टू यू तो हर एक वेब पेजेस का बैकग्राउंड कोडिंग यूजर कभी भी देख सकता है या क्लाइंट कभी भी देख सकता है तो ऑप्शन फील्ड जो है वो किसी भी वेब पेजेस के डिटेल को देखने के लिए हम लोग ये कमांड को यूज करते हैं ठीक है ना तो ये कुछ स्पेशल कमांड है जो एस में क्लाइंट यूज करता है इसको आपको ध्यान में रखना है इसको आपको ध्यान में रखना है अब आगे बढ़ते हैं दो चीजों के बारे में समझते हैं एक कुकी आपने नाम सुना ही होगा ठीक है ना और दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर प्रॉक्सी सर्वर ठीक है ना प्रॉक्सी सर्वर सर्वर कुकीज के बारे में आप बता सकते हो आज के डेट में कुकीज बहुत यूज होता है ठीक है ना एंड प्रॉक्सी सर्वर जो आपके कॉलेज में हमेशा ही यूज किया जाता है

Recent recent Request Response Response Activities, or you can say, Taken activities, Ya bracket my there take an activities, or you can say, Web pages, Web pages, Taken activities are. ऐसा stored, stored inside, inside हम लोग क्यों करते हैं ऐसा हम लोग क्यों करते हैं ठीक है ना सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए ठीक है ना टू मेक एक्सेस फास्ट एक्सेस फास्ट वेब पेजेस के एक्सेस को फास्ट बनाने के लिए जितने भी रिसेंट एक्टिविटी है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कैश मेमोरी तो प्रॉक्सी सर्वर इज नथिंग लाइक थे। अ कैश मेमोरी ठीक है ना कैश मेमोरी आप लोगों ने पढ़ा है ना जितने भी रिसेंट रिक्वेस्ट है जितने भी रिसेंट रिक्वेस्ट आपने डाला है ब्लॉक के लिए वो सारा ब्लॉक आपके कैश में डाला हुआ होता है ठीक है ना सो दैट लेटर ऑन एवर विल रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ब्लॉक ठीक है ना इट कैन बी एक्सेस बाई द कैश राधर देन मैन मेमोरी तो इससे क्या होता है कि आपका जो एक्सेस है वो फास्ट हो जाता है मेमोरी को एक्सेस करना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो है, 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 है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड इस तरह के प्रोटोकॉल आप पढ़ते हैं ना ठीक है ना तो वहां पर क्या होता है कि कैश में हम लोग जितने भी रिसेंट uh, एक्टिविटीज है उसको हम लोग कैश में डाल करके रखते हैं ताकि सीपीयू नेक्स्ट टाइम जब किसी भी ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट करें तो वो सबसे पहले कैश में सर्च हो अगर वहां अवेलेबल है तो वहीं से वो एक्सेस हो जाए अगर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आपको जाना पड़ेगा तो यहां पर भी क्या होता है ना तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने ही सिस्टम के अंदर एक प्रॉक्सी सर्वर बना रहे प्रॉक्सी सर्वर मतलब उसी का प्रॉक्सी है जैसे आप लोगों ने कॉलेज लाइफ में पढ़ा होगा ना यार आज मेरा प्रॉक्सी मार देना अटेंडेंस होता है तो मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट ओवर दियर ऑफ़ योर्स। आपका प्र क्या कर रहा है लगा रहा है।, में आ रहा है तो यहां पर भी वही हो रहा है सर्वर का ही एक मैपिंग है, तो है लेकर करके वो सारा आपके सिस्टम के प्रोक्सी सर्वर पर ही क्या है स्टोर है ताकि सपोजन हम लोग बात करें तो जीमेल का प्रॉक्सी सर्वर का हिस्ट्री पूरा स्टोर है फेसबुक का स्टोर है जो भी आप रिसेंटली एक्सेस करते हैं डे बाई डे लाइफ में स्टोर करते हैं वो सारा का सारा आपके सिस्टम पे स्टोर है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप फेसबुक को सर्च करो तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग रिक्वेस्ट सर्वर पे ना जा करके आपके सिस्टम से ही एक्सेस हो जाए बात समझ में आ रहा है तो जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज है उसके लिए हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं कुकीज अगर हम लोग कुकीज की बात करें तो इसके बारे में एक टर्म बड़ा फेमस है ठीक है ना ये ठीक है ना क्रिएटेड and e10 by e10 by server ये टर्म बड़ा फेमस है कुकी के बारे में जो कुकी है वो हमारा सर्वर क्रिएट करता है और सर्वर ही खत्म करता है ठीक है ना सर्वर ही कुकी को क्या करेगा क्रिएट करेगा और सर्वर ही खत्म करेगा देखिए अर्लियर जब पहले हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते थे ना तो वो स्टेटलेस हुआ करता था ठीक है ना तो यहां पर यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो पहले के प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे वो स्टेटलेस हुआ करते थे ठीक है ना तो इसको लिखो अर्लियर प्रोटोकॉल्स वॉज प्रोटोकॉल्स वॉज विच प्रोटोकॉल ठीक है ना सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एस टी टीपी एस टी टीपी प्रोटोकॉल वॉज स्टेटलेस स्टेटलेस ठीक है स्टेटलेस का मतलब हो गया कि हम लोग वहां पर स्टेट के इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करते थे पहले जो protocols use होते थे, वहाँ पर हम state के इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते थे स्टोर नहीं करते थे ठीक है ना? अब क्या है स्टेट का इंफॉर्मेशन भी यूज होता है फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हमने अभी क्या किया कि फ्लिपकार्ट हम गए ठीक है ना अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जस्ट इमेजिन सिचुएशन मैं क्लाइंट हूं मैं फ्लिपकार्ट के वेब सर्वर पे गया वेब सर्वर पे जा करके मैंने प्रोडक्ट सर्च किया ठीक है ना घड़ी देखा कुछ प्रोडक्ट को मैंने अपने कार्ट में स्टोर भी कर लिया कार्ड होता है ना जहां पर आप स्टोर करते हो ये ट्रॉली टाइप का बना हुआ रहता है इमेज में कभी भी देखना जैसे कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप अपने विश लिस्ट में स्टोर कर लो कार्ट में स्टोर कर लो तो मैंने कुछ पार्ट को अपने कार्ट में इंप्लीमेंट स्टोर कर लिया लेकिन उससे मूड नहीं हुआ ऐसा होता है ना यूजर के साथ उसे मूड नहीं हुआ अभी परचेज नहीं करना है बाद में देखेंगे यार बाद में सोचेंगे शाम को देखेंगे अभी टाइम नहीं है या फिर जेब में पैसा देखते हैं पैसे नहीं है बाद में देखेंगे ठीक है ना तो ये आप सोच कर करके चले जाते हो आपने लॉग इन वॉग इन नहीं किया हुआ है आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है आप डायरेक्टली गए वहां पर सर्च किए एक दो प्रोडक्ट अपने कार्ट में स्टोर किए और फिर छोड़ दिए फिर वापस आ गए फिर इंटरनेट बंद बंद करके अपने दिन के काम में बिजी हो गए तो पहले के प्रोटोकॉल में क्या होता था कि जो भी एक्टिविटी आपने पुराना किया है वो एक्टिविटी कहीं स्टोर नहीं होता था भाई अगर आपका कोई अकाउंट ही नहीं है ठीक है ना अगर अकाउंट होता तो ये हम मान लेते हैं कि आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है और तब आपने कार्ड में लाइक स्टोर किया है तो जब आप दो दिन के बाद भी लॉग इन करोगे तो आपको दिखेगा आपने क्या क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था वो क्या क्या प्रोडक्ट कार्ड में स्टोर किया था क्योंकि आज के डेट में जितने भी लाइक सेलर है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या जो वेंडर है ठीक है ना वो ये देख रहा है कि यूजर लॉग इन करना बार बार पसंद नहीं करता है कोई यूजर ये नहीं चाहता है कि इसमें मेरा अकाउंट हो तो ही मैं परचेस कर पाऊं बिना अकाउंट के भी आप परचेस कर सकते हो और वो यूजर फ्रेंडली बनाने के चक्कर में ठीक है ना पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में अगर आपने कुछ सेलेक्ट किया आपका अकाउंट नहीं है और उसके बाद छोड़ दिया दो दिन के बाद जब फिर से रिविजिट करोगे तो पुराना हिस्ट्री क्या होता है डिलीट हो जाता है ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रिलेटेड विदेट ठीक है ना जो उस समय का स्टेट था आपका जो एक्टिविटी था पुराना से, फिर से सारा प्रोडक्ट देखना होगा और जो प्रोडक्ट आपको चूज करना है वो चूज करना होगा मीन्स ये स्टेटलेस है एक स्टेट आपने क्रिएट किया था ठीक है ना उस समय और उस समय आपने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था तो एक पर्टिकुलर स्टेट में आप थे एक ऐसे स्टेट में थे जहां पर तीन प्रोडक्ट आप अपने कार्ड में स्टोर कर चुके थे वो स्टेट मेंटेन नहीं है वो खत्म हो गया है तो दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा उस स्टेट को क्रिएट करना पड़ेगा फिर से आपको प्रोडक्ट सर्च करना होगा देखना होगा तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो आपके प्रोटोकॉल्स है वो स्टेटलेस हुआ करते थे और जो कि किसी भी किसी भी लाइक like बिजनेसमैन के लिए अच्छा नहीं है अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं ये चाहूंगा कि क्लाइंट दोबारा जब आ रहा है तो वो फिर से सारे प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है लेकिन अगर वही स्टेट मेंटेन होता तो तो मैं जाता तो मुझे दिखता अरे यार पुराने मतलब दो दिन पहले मैं लॉग इन किया था तो ये, ये प्रोडक्ट मैंने देखा था अपने कार्ड में स्टोर भी किया था चलो इसमें से एक हटा देते हैं बाकी दो को ऑर्डर कर देते हैं बहुत टाइम मैंने दिया था बार बार कोई भी क्लाइंट अपना टाइम नहीं देना चाहता है So, इसी स्टेटलेस प्रोटोकॉल को स्टेटफुल बनाने के लिए ठीक है ना इसी स्टेटलेस प्रोटोकॉल को ठीक है ना स्टेटफुल बनाने के लिए स्टेटफुल बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कुकी का कुकी का तो होता क्या है जब क्लाइंट की एक्टिविटीज होते हैं समझ रहा बात को सपोज क्लाइंट ने वेब पेज वेब सर्वर को ये एक्सेस कर रहा है क्लाइंट इज एक्सेसिंग द वेब सर्वर वेब सर्वर तो वेब सर्वर जब रिस्पॉन्स देगा ठीक है ना तो रिस्पॉन्स के साथ साथ जब ये वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा किसको क्लाइंट को तो वेब सर्वर जब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा तो रिस्पॉन्स मैसेज में वो कुकी को इंसर्ट कर देगा कुकी को क्या करेगा इंसर्ट कर देगा एंड दिस कुकीज़ दिस कुकीज़ कंटेंट कंटेंट स्टेट इनफो स्टेट इनफो और ये कुकी यहां से आकर करके क्लाइंट में क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा ठीक है सो लेटर ऑन आफ्टर टू डेज इफ द क्लाइंट वांट टू एक्सेस अगेन सेम वेब सर्वर भाई वेब सर्वर बहुत सारा हो सकता है ना जो वेब सर्वर की हम लोग बात कर रहे हैं ये वेब सर्वर ठीक है ना किसी का भी हो सकता है ये वेब सर्वर जो है सपोज ये फ्लिपकार्ट का हो सकता है ठीक है ना फ्लिपकार्ट का हो सकता है ठीक है ना ये आईजीगो का हो सकता है जो ट्रेन बुकिंग सिस्टम है ठीक है ना ये वेब सर्वर एमेजोन का हो सकता है ठीक है ना किसी का भी हो सकता है तो एक कुकीज यहां से क्रिएट होता है वेब सर्वर साइड से कुकीज क्रिएट होगा ये कुकीज यहां पर आकर करके कर स्टोर हो जाएगा सो दैट लेटर ऑन वेन द क्लाइंट विश टू एक्सेस द सेम वेब सर्वर द स्टेट विल रिमेन्स मेंटेन और आपको वो सारा प्रोडक्ट दिख जाएगा तो कुकीज का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया मार्केट में ठीक है ना कुकीज का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट में आया बस किसके थ्रू किसके लिए एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड प्रोडक्ट सेलर या आप इसको बोल सकते हो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलर ठीक है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलर मीन्स एमेजॉन फ्लिपकार्ड एंड ऑन जैसे कि आप कभी गौर करना गौर करना कि सपोज आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं ठीक है ना तो फेसबुक में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कुछ ना कुछ आते रहते हैं ठीक है ना सपोज इसमें आपने देखा गीवा वाले का गीवा जो कुछ ज्वेलरी वगैरह सेल करता है Giva वाले का देखा अगर गलती से आपने इस पर क्लिक कर दिया क्लिक कर दिया तो गीवा के सर्वर से एक कुकीज आपके सिस्टम जाएगा क्लिक करने पे उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप फोलोगे ना फेसबुक गीवा के ज्यादा एड आपको दिखेंगे ठीक है ना या इसी तरह से किसी पे भी अगर आप क्लिक करते हो वो आपको बार बार ज्यादातर दिखता है ठीक है ना वो आपको बार-बार ज्यादातर दिखता है ये सब कुकीज का ही कांसेप्ट है ठीक है चलिए यहां तक बात समझ में आ रहा है तो देखिए ये सब पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का रहता है और यहां से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा एफटीपी है एफटीपी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल फॉर्म क्या बोलते हैं दिस इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ठीक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चलिए चलिए देखिए ये एस टी की तरह ही कहीं होता है लेकिन इसको इस स्पेशली हम लोग फाइल के लिए यूज करते हैं ठीक है ना इट इज it is similar to similar to HTTP taken okay, but used used only only used only uh, used only for for file access file access taken okay, सिर्फ फाइल एक्सेस के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं लाइक वेब पेजेस के के एक्सेस लिए नहीं अगर आपको फाइल्स एक्सेस करने हैं ठीक है, है ना तो इसके लिए जैसे बुक फाइल हो गया इस तरह के कोई भी फाइल हो गए वीडियो फाइल हो गए किसी भी तरह का फाइल के लिए हम बेसिकली इसको क्या करते हैं वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज नहीं सिर्फ फाइल को एक्सेस करने के लिए जैसे एस कनेक्शन से आप फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं वेब पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हैं लेकिन यहां पर सिर्फ फाइल के एक्सेसिंग के लिए क्या करते हैं इसको यूज करते हैं ठीक है ना लाइक लार्ज फाइल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट कैन बी एक्सेस्ड कैन बी एक्सेस्ड एक्सेस्ड बाय दिस प्रोटोकॉल बाय दिस प्रोटोकॉल ठीक है ना तीसरा इट यूजेस यूजेस टू टीसीपी कनेक्शन फॉर एक्सेसिंग द फाइल फॉर एक्सेसिंग the फाइल ठीक है ना फाइल को एक्सेस करने के लिए दो HTTP connection कनेक्शन यूज करता है ठीक है ना सबसे पहला है कंट्रोल uh, कनेक्शन सबसे पहला है कंट्रोल कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन और प्लस दूसरा है डेटा कनेक्शन डेटा कनेक्शन ठीक है ना अब देखिए कंट्रोल कनेक्शन के लिए कंट्रोल कनेक्शन के लिए टीसीपी पोर्ट एड्रेस यूज किया जाता है ट्वेंटी वन और डेटा कनेक्शन के लिए टीसीपी पोर्ट एड्रेस यूज किया जाता है ट्वेंटी पहली बात ठीक है ना डेटा कंट्रोल कनेक्शन के लिए टीसीपी पोर्ट एड्रेस हम लोग यूज करते हैं ट्वेंटी के लिए टीसीपी पोर्ट एड्रेस यूज करते हैं ट्वेंटी दूसरी बात दूसरी बात कंट्रोल कनेक्शन ठीक है ना इस्टैब्लिश होता है एंटायर सेशन के लिए स्टैब्लिश फॉर एंटायर सेशन ठीक है ना और डेटा कनेक्शन जो है ठीक है ना और इस्टैब्लिश एस्टैब्लिश टू एक्सेस एस्टैब्लिश टू एक्सेस एक्सेस वन फाइल वन फाइल मतलब कि अगर आपको पांच फाइल एक्सेस करना है तो पांच आपको डेटा कनेक्शन बनाने होंगे ठीक है ना तो ये हर एक फाइल के करस्पॉन्डिंग डेटा कनेक्शन होता है इफ यू यू टू टू एक्सेस द फाइव फाइल्स देन हैव द फाइव डिफरेंट कनेक्शन विद द सर्वर लेकिन ड्यूरिंग एंटायर फाइव ड्यूरिंग एंटायर एक्सेस एक्सेस ऑफ फाइव फाइल्स ओनली वन सेशन कनेक्शन विल बी मेड ठीक है तो ये बेसिक सा पॉइंट है अब हम लोग बात करते हैं एस टी टीपी एफ टीपी कमांड्स के तो एफ टी पी में कुछ स्पेशल कमांड्स हैं जो यूज होते हैं ठीक है एफटीपी कमांड्स कमांड्स ठीक है तो देखिए कुछ स्पेशल कमांड है जो हम लोग एफटीपी में यूज करते हैं ठीक है ना मोड पोर्ट लिस्ट एंड डिलीट ठीक है सबसे पहला कमांड है मोड दूसरा है पोर्ट, तीसरा है लिस्ट और चौथा है ठीक है? ये सब कुछ स्पेशल कमांड है इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड है जो एफटीपी यूज करता है लेकिन यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट कमांड है वो मैंने लिख रखे मोड का मतलब होता है कि मोड ऑफ एक्सेस Means, जो फाइल क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा है उसका मोड क्या है स्ट्रीम वाइज आप एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रीम वाइज मीन बिट्स ब्लॉक वाइज एक्सेस करना चाहते हैं या कंप्रेस यूज करना एक्सेस करना चाहते हैं तो मोड का मतलब होता है फाइल एक्सेस मोड ठीक है ना मोड का मतलब होता है फाइल एक्सेस मोड फाइल एक्सेस मोड ठीक है ना ये एस हो सकता है स्ट्रीम वाइज हो सकता है ब्लॉक वाइज हो सकता है या कंप्रेस फॉर्म में हो सकता है ठीक है ना तो यहां पर इन सब का मतलब क्या है कि आप फाइल को स्ट्रीम एक्सेस करना चाहते हो ब्लॉक वाइज एक्सेस करना चाहते हो या फाइल को कंप्रेस फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हो कैसे एक्सेस करना चाहते हो ये मोड कमांड डिसाइड करता है ठीक है ना मोड वाले फील्ड पे अगर आपने बी डाला है तो ब्लॉक वाइज क्या है फाइल हमारा एक्सेस होगा ठीक है दूसरा है पोर्ट ठीक है ना ये पोर्ट एड्रेस को बेसिकली डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना क्लाइंट चूज अ पोर्ट पोर्ट में जो है वो क्लाइंट जो है वो एक पोर्ट एड्रेस चूज करेगा चूज पोर्ट ठीक है ना लिस्ट लिस्ट जो कमांड है ये बेसिकली ठीक है ना सब डायरेक्टरी को लिस्टिंग करने के लिए यूज होता है ठीक है ना लिस्ट सब डायरेक्ट ठीक है ना सब डायरेक्टरी के लिस्टिंग के लिए यूज होता है और यह पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए होता है ठीक है डिलीट फाइल चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं ईमेल सर्विसेज इसको थोड़ा सा ध्यान से, से समझिएगा यहां से बहुत बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरेटिकल टाइप का ईमेल सर्विसेज ठीक है ईमेल सर्विसेज चलिए देखते हैं देखिए ये सब हमारे क्लाइंट है ठीक है ना ईमेल भाई आप ईमेल तो एक्सेस करते हो ना डेली जब आप जीमेल एक्सेस करते हैं जीमेल आपका कैसे काम करता है ईमेल सर्विसेज में मतलब किसी भी तरह का ईमेल जीमेल हो गया याहू हो गया या कोई कंपनी अपना क्रिएट करता है उसका हो गया किसी भी तरह के ईमेल सर्विसेज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ये जो है ये हमारा ईमेल सर्वर है ईमेल सर्वर है और यहां पर ये क्लाइंट वन है ठीक है ना और ये हमारा क्लाइंट है। तो देखिए क्लाइंट वन को अगर क्लाइंट क्लाइंट वन को अगर क्लाइंट टू को क्या करना है एक ईमेल सेंड करना है तो वो आपके सिस्टम पे सेंड नहीं करता है क्या करता है आपके डोमेन नेम को यूज कर कर, कर करके एक मेल वेब सर्वर पे वो अपलोड करता है यही करता है ना If the client one wish to send any mail to the client two, so what the client one will do? आप क्या करते हो? सामने वाले का domain name, domain name like suppose मेरा email id है दास अजय 1987 at the red gmail dot com. This is nothing but a domain name. इसको use कर करके हमलोग क्या करते हैं? एक mail upload करते हैं email server पे. And whenever the client two wish to see the mail, वी कैन डू ही है वो क्या करेगा ईमेल सर्वर पे मेल को पुष करेगा तो यहां पर हम लोग जो कमांड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड दुश पुश ठीक है और ये कमांड जो है ये कनेक्शन जो यूज करता है दैट इज कॉल्ड द एस एम एसएमटीपी एस एम फॉर्म एस एम का होता है ठीक है ना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटो ठीक ना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है तो जनरली ये क्या करेगा मेल को पुश करेगा ईमेल सर्वर पे और उसके लिए जो यहां पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट एसएमटीपी प्रोटोकॉल ठीक है ना तो मेल को सर्वर पे अपलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड द एस एम टीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो पोर्ट नंबर कितने पे काम करता है या आप पोर्ट एड्रेस बोल सकते हैं पोर्ट एड्रेस वर्क ऑन द पोर्ट एड्रेस ट्वेंटी फाइव इन टीसीपी भाई पोर्ट एड्रेस हम लोग कहां पर यूज करते हैं टीसीपी में तो ट्रांसपोर्ट लेयर का फाइव पोर्ट एड्रेस एस एम टीपी प्रोटोकॉल क्या करता है यूज करता है किसी भी मेल को क्लाइंट वन से सर्वर पे अपलोड करने के लिए नाउ द सेकेंड क्लाइंट विच विश टू सी द मेल वो क्या करेगा मेल सर्वर से वो क्या करेगा मेरे दोस्त मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करेगा ठीक है ना वो ईमेल से क्या करेगा डाउनलोड करेगा तो इसको अगर हम लोग पुश बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे पुल मीन ईमेल सर्वर से वो ईमेल को क्या कर रहा है पुल कर रहा है बात समझ में आ रहा है और इसके लिए यहां पर दो तरह का प्रोटोकॉल यूज होता है एक है पॉप थ्री और दूसरा है आई मैप फोर आई मैप फोर ठीक है ना ये सब वर्जन होते हैं थ्री एंड फोर दीज आर दर्जन ठीक है ना तो पॉप थ्री इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ठीक है ना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ठीक है ना वर्जन थ्री वर्जन थ्री ठीक है एंड सेकेंड वन इज द आई मैप आई मैप का फुल फॉर्म बता सकते हो क्या कोई आई मैप फोर का ठीक है ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल है जो ईमेल डाउनलोडिंग के लिए यूज होता है आई मैप का कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं कुछ याद हो कभी सुना हो कहीं पर भी एनी वन ठीक है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल एक्सेस टू ठीक है ना वर्जन तो मेल को एक्सेस करने के लिए कहां से मेल सर्वर से मेल को एक्सेस करने के लिए ये दो अलग-अलग तरीके के प्रोटोकॉल यूज होते हैं देखिए ज्यादातर जो है या स्टार्टिंग में जब ईमेल सर्विसेज डिजाइन हुआ था तो लोग सिर्फ इसके बारे में सोचते थे मींस जब जीमेल सर्विसेज डिराइव हुआ ये किसको खत्म के लिए खत्म करने के लिए डिराइव हुआ सपोज पहले जमाने में लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे लिखते थे ना आर्मी मैन है कोई कहीं पर दूर पे है तो उसको मैं एक लेटर लिखना चाह रहा हूं ठीक है ना तो टेक्स्ट लेटर टेक्स्ट जो फिजिकल लेटर है उसको लिखने के लिए लोग क्या करते थे पेन एंड पेपर से काम क्या करते थे तो इसको खत्म करने के लिए पहली बार इंटरनेट की दुनिया में ईमेल सर्विसेस आया तो ये माना गया कि भाई कोई किसी को लेटर लिख रहा है कोई कहीं दूर बैठा हुआ है ठीक है ना तो वो लेटर को इंटरनेट के थ्रू कैसे पहुंचाया जाए तो जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस हैं उसको सेंड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं पॉप थ्री लेटर ऑन द पीपल हैज कि टेक्स्ट मैसेज ही हमें सिर्फ नहीं करना है ईमेल सर्विसेस में कुछ इंप्रूवमेंट आए ठीक है ना कि भाई अगर एक क्लाइंट दूसरे को कुछ सेंड करना चाह रहा है तो इट शुड नॉट बी ऑलवेज अ टेक्स्ट मैसेज इट कुड बी अ अफ फाइल इट कुड बी अज इट बी अ वीडियो फाइल एंड द द डेवलपर विश टू इंप्लीमेंट सम मोर एडिशनल फीचर्स देखिये पॉप थ्री जो है वो हमारा फंक्शनैलिटी में लिमिटेड है इट इज लिमिटेड इन फंक्शनलिटी लिमिटेड इन फंक्शनलिटी ठीक है फंक्शनलिटी ठीक है ना तो फंक्शनलिटी में यह लिमिटेड है ठीक है ना कि यहां पर हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही भेज सकते हैं तो बाद में आई मैपैप जो है बहुत सारे फैसिलिटीज को को लेकर के आया मतलब ईमेल आप क्या कर सकते हैं मींस यू कैन क्रिएट द फोल्डर इन योर ईमेल पहले ये सब चीजें नहीं थी आज से अगर आप पंद्रह साल पहले जाओगे ना बीस साल पहले फोल्डर वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं था आप अपने ईमेल में फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं मेल को डिलीट कर सकते हैं ठीक है ना ऑनडो कर सकते हैं अगर डिलीटेड मेल है तो ठीक है ना उसके साथ साथ आप टेक्स्ट मैसेज के साथ फाइल भी भेज सकते हैं तो ये सारे जो एडिशनल फीचर्स है ठीक है ना ये सारा एडिशनल फीचर्स बाद में आई पे आया ठीक है तो एक प्रोटोकॉल से जब हम लोग दूसरे प्रोटोकॉल में शिफ्ट करते हैं डेफिनेटली देर विल बी एड ऑन सर्विसेस वहां पर एड ऑन सर्विसेस होना ही होना है अदरवाइज माइग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है अगर वर्जन चेंज होता है तो सर्विसेस भी एड ऑन होते हैं क्लियर है भाई तो ये इसका बेसिक है ठीक है ना अब हम लोग देखते हैं कि कमांड क्या क्या यूज कर सकते हैं ठीक है ना क्या क्या कमांड हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं तो यहां पर कमांड यूज करने लायक कुछ है नहीं ठीक है ना ये स्पेशली जो भी कमांड यूज करना था वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है एस एम एंड इस साइड से एस एम यूज होगा और इस साइड से पॉप थ्री या आई मैप टेक्स्ट मैसेज के लिए जनरली हम लोग पॉप थ्री ही यूज करते हैं ठीक है चलिए इसके बाद है हमारा डीएनएस डीएनएस जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम ठीक है ना सिस्टम देखिए बहुत जगह इसको डोमेन नेम सर्वर भी बोला जाता है इधर यू कैन से डोमेन नेम सिस्टम और यू कैन से इधर डोमेन नेम सर्वर तो इसका काम क्या है कि सपोज हमने यू आर एल पे लिखा ठीक है ना वी आर राइटिंग समथिंग इन यू आर एल क्या लिख रहे हैं भाई तो डब्ल्यू 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 डॉट गेट इकैडमीडमी डॉट ए डॉट इन ठीक है ना तो यूआरएल पे ये टाइप करने पे ब्राउजर के यूआरएल पे ये टाइप करने पे गेट अकेडमी के सर्वर से आप कभी भी कनेक्ट हो पाओगे क्या नहीं हो पाओगे ठीक है ना इस तरह के एड्रेस को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टार्टिंग चैप्टर में मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एड्रेस चार तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं जिसमें से ये हमारा किस तरह का एड्रेस है स्पेसिफिक एड्रेस जिसका लेंथ कभी भी फिक्स नहीं होता ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं। बाकी के जो पोर्ट एड्रेस है आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, है, उन लेंथ फिक्स है। ठीक है यहां पर कोई आर एल द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड टू सर्वर इसको लिख कर करके अगर आप सोचोगे कि रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक चला जाएगा इसको टाइप कर करके इफ यू आर थिंकिंग रिक्वेस्ट विल गोज टू सर्वर रिक्वेस्ट विल गोस टू द सर्वर सर्वर देन यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन ठीक है ना इसको टाइप कर करके रिक्वेस्ट जो है कैन नॉट बी मेड ठीक है ना रिक्वेस्ट कैन नॉट सेंड सेंड टू सर्वर सबसे पहली बात ठीक है ना भाई मेरे सर्वर सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने के लिए हमें का ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है ये ये वाला पार्ट जो है ये कौन अपने पे और इसको लिखने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा तो ये रिक्वेस्ट कभी भी जा ही नहीं सकता ठीक है ना क्लाइंट को अगर क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करना है द क्लाइंट मस्ट नोस द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर ठीक है ना सो टू एक्सेस टू एक्सेस पर्टिकुलर सर्वर ठीक है ना पर्टिकुलर सर्वर क्लाइंट मस्ट मस्ट नोस IP address of server. IP address of server. तो यहां पर हमें समझ में आया कि server का IP address पता होना जरूरी है, सिर्फ से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो जनरली क्या होता है कि, कि किसी भी नंबर को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है जैसे कि आप लोग जब फोन डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं फोन का डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं ना फोन में सबका नाम मतलब फोन नंबर के करस्पोन्डिंग नाम आप इंप्लीमेंट करते हो तो नंबर याद करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास हजार फ्रेंड है या हजार छोड़ो पंद्रह फ्रेंड है तो पंद्रह फ्रेंड का नंबर याद रखना टेन टेन डिजिट का ह्यूमन बींग के लिए काफी डिफिकल्ट टास्क है तो राधर देन रिमेम्बरिंग द नंबर हम लोग क्या करते हैं उसके नाम तो याद है तो हर एक नंबर को नेम से मैप करा देते हैं इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर मुझे दिनेश को फोन लगाना है तो मैं क्या करूंगा दिनेश टाइप करूंगा और उसको कॉल लगाऊंगा तो कभी भी दिनेश टाइप करके कॉल लगाने से कभी भी दिनेश को कॉल नहीं जाता है उस नाम के बैकग्राउंड में एक नंबर है वो नंबर हिट होता है जिसके कारण दिनेश को कॉल जा पा रहा है बात समझ में आ रहा है सो विद द हेल्प ऑफ दिनेश इफ इफ वी हैव अ प्रोविजन टू गेट दिस नंबर देन द कॉल कैन बी मेड टू दिनेश दिनेश के नाम के साथ अगर मैं इस नंबर को एसोसिएट कर दू तो कॉल जा सकता है में आ रहा है ना? तो यहां पर भी हर एक डोमेन नेम के एक आईपी एड्रेस को एसोसिएट करना पड़ता है ठीक है ना एसोसिएट करना पड़ता है पास में आ रहा है तो हमारा टारगेट यहां पर क्या होता है कि इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में मैप कराना क्योंकि भाई फोन डायरेक्टरी में बहुत ही ईजी है नाम को नंबर से एसोसिएट करना क्योंकि आपके फोन में ही है लेकिन इन रियल वर्ल्ड किसी भी डोमेन नेम के आईपी एड्रेस को सिस्टम पे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है भैया लाखों डोमेन नेम यूज हो रहे। और कल के डेट में नई नई कंपनी मार्केट में आएगी तो फिर से नया डोमेन नेम आएगा तो स्टैटिकली सिस्टम पे डोमेन नेम को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर दिन पचासो डोमेन नेम नए आ रहे हैं मार्केट में तो उसके आईपी एड्रेस को सिस्टम पे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है कंपनी आपको ये फैसिलिटी नहीं दे सकती है सो द डोमेन नेम शुड बी सर्च शुड बी सर्च ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस वेनेवर वी वॉन्ट टू एक्सेस द वेब सर्वर तो जब कभी भी क्लाइंट को वेब सर्वर एक्सेस करना होता है उसी समय वो डोमेन नेम क्या करता है डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को सर्च करता है तो इसको डायनेमिक बनाया जाता है स्टैटिक आप नहीं बना सकते ठीक है ना यू हैव टू मेक द डोमेन नेम मैपिंग डायनेमिक ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं डीएनएस ये फैसिलिटी हमें देता है तो डीएनएस का बेसिकली काम क्या है डीएनएस का काम क्या है ठीक है ना इट मैप इट मैप्स डोमेन नेम डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस आईपी एड्रेस डायनामिक ठीक है डोमेन नेम को क्या करता है आईपी मैपिंग करता है गुलाम कैसे हो भाई अब देखिए अगर डोमेन नेम के बेसिक की बात करें तो टॉप जो डोमेन नेम सर्वर है टॉप डोमेन नेम सर्वर जो है वो सिक्स है टॉप डोमेन नेम जो सर्वर है जो आज के रेट में यूज हो रहा है वो छह अलग-अलग डोमेन नेम सर्वर है ठीक है ना आपको शायद पता भी होगा या कभी भी आप गूगल सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ठीक है ना टॉप छह अलग अलग डोमेन नेम सर्वर है डॉट कॉम ना डॉट एडू डॉट मिलिट्री ठीक है ना डॉट बीज जो बिजनेस के लिए यूज होता है ठीक है ना डॉट ओ आर सी एक और है क्या है भाई एडू मिलिट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल एंड डॉट नेट ठीक है ना ये छह जो है टॉप डोमेन नेम सर्वर है जो पूरे कंट्री में आज के डेट में यूज हो रहा है ठीक है ना कॉम का मतलब क्या हो गया कमर्शियल एडू का मतलब क्या हो गया एजुकेशनल एम आई एल का मतलब क्या हो गया मिलिट्री ठीक है ना बीच का मतलब हो गया बिजनेस इसको लिख लो क्योंकि थोड़ा सा नेम डिफरेंट है तो याद रहे ठीक है ना ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क ठीक है तो ये छह टॉप डोमेन नेम है जो आज के डेट में पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है यूज कर रहा है पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है यूज कर रहा है तो देखिए डोमेन नेम कैसे क्रिएट होता है ये हमेशा लाइक डोमेन नेम जो है हमेशा वो बैक ट्रैक कर करके हम लोग यूज करते हैं ठीक है ना तो यहां पर देखिए डोमेन नेम जो है डोमेन नेम जो है इट कैन बी इट कैन बी फॉरवर्ड और रिवर्स लुकअप ठीक है ना फॉरवर्ड और रिवर्स फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम लोग डोमिन ने बना रहे इस तरह से डोमिन सेट है, है ना इस तरह से डोमिन गया जेड है, है XY, ये सपोज हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड ये सपोज हमारा क्या है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट इमेजिन दिस इज दी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है मेरा दोस्त नाम है इमेजिन करना तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ब्लॉक हो सकते हैं एडमिन हो सकते हैं ठीक है ना एंड आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है एंड बहुत सारे ब्लॉक हो सकते हैं ठीक है ना एडमिन हो सकते हैं आईडी डिपार्टमेंट हो सकते हैं ठीक है ना इंप्लॉई हो सकते हैं इस तरह से बहुत कुछ हो सकते हैं ठीक है अब सपोज एडमिन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं ठीक है ना एडमिन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं एक है रूपम ठीक है ना दूसरा है विकास ठीक है तीसरा है दिनेश इस तरह से है ठीक है ना तो देखिए विकास का अगर हमें डोमेन नेम पता करना है विकास का अगर मुझे डोमेन नेम पता करना है तो ये डोमेन नेम कैसे चलेगा ठीक है ना तो इसको हम लोग लिखते हैं विकास डॉट विकास किसके अंदर है एडमिन ब्लॉक के अंदर है तो एडमिन एडमिन डॉट ये एडमिन किसके अंदर है तो एक्स वाई सो दिस इज द डोमेन नेम ऑफ विकास दिस इज द डोमेन नेम ऑफ विकास ठीक है ना ये विकास का क्या हो गया डोमेन नेम हो गया ठीक है ये विकास का क्या हो जाएगा भाई डोमेन नेम हो जाएगा इस तरह से बेसिकली हम लोग डोमेन नेम को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं हिरारकी में अब देखिए डोमेन नेम फाइंड आउट करने के दो मेथड है किसी भी किसी भी डोमेन नेम के करेस्पोंडिंग अगर आपको आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना है तो इसके दो डिफरेंट मैथड है ठीक है ना टू गेट डोमेन नेम डोमेन नेम सॉरी टू गेट द आईपी एड्रेस करेस्पॉन्डिंग टू द डोमेन नेम टू गेट आईपी एड्रेस

सबसे पहला है इटरेटिव मैथड इटरेटिव ठीक है और दूसरा है रिकर्सिव दूसरा है, ठीक है एक तो हो गया इटरेटिव मैथड दूसरा हो गया रिकर्सिव मैथड तो देखिए इटरेटिव मैथड बहुत ही आसान है ठीक है ना इटरेटिव जो मैथड है वो बहुत ही आसान है सपोज हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम ठीक है ना तो देख करके ही लग रहा है देख करके ही लग रहा है कि ये हमारा क्या है दिस इज स्पेस ठीक है ना या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द डोमेन नेम दैट वी है ठीक है ना तो ये डोमेन नेम हमने कहा लिखा है यू पे और हमारा टारगेट क्या है इस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग इस डोमेन नेम के करस्पोंडिंग हाँ, गेन करना क्या गेन करना आईपी एड्रेस गेन करना ठीक है ना तो ये रिक्वेस्ट जो है ये रिक्वेस्ट जो है ठीक है ना इटरेटिव मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले जाएगा कहां पर ठीक है ना टॉप लेवल सर्वर पे टॉप लेवल सर्वर पे ठीक है ना क्योंकि .com के बारे में टॉप लेवल सर्वर को ही पता है .com जो कमर्शियल सर्वर डोमेन uh, नेम है वो टॉप लेवल सर्वर पे ही अवेलेबल है तो ये रिक्वेस्ट पहले गया कहां पर ये रिक्वेस्ट गया टॉप लेवल सर्वर पे ठीक है ना तो किसके लिए रिक्वेस्ट किया डॉट कॉम वाले सर्वर पे गया टॉप लेवल सर्वर पे गया तो टॉप लेवल सर्वर पे बहुत सारा चीज है डॉट कॉम है डॉट नेट है वगैरह वगैरह छह टॉप लेवल सर्वर है तो छह टॉप लेवल सर्वर में से ये गया कहां पर रिक्वेस्ट ठीक है ना तो कभी भी जो लुकअप होता है ये इस तरह से चलता है ये इस तरह से चलता है ठीक है ना तो हम लोग टॉप लेवल सर्वर पे गए और उस सर्वर के जो डॉट कॉम वाला पार्ट है, है इस डॉट कॉम वाले पार्ट का आईपी एड्रेस इस टॉप लेवल सर्वर ने इसको रिटर्न कर दिया देखिए, टॉप लेवल सर्वर पे छह अलग अलग छह अलग अलग नेम है क्या क्या है भाई डॉट ओ आर जी ठीक है ना डॉट कॉम और इस तरह से चलते हुए डॉट मिलिट्री है और छे ही अलग अलग टॉप लेवल सर्वर का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा इसका आईपी एड्रेस वन है टू है थ्री है एंड सो ऑन ठीक है ना तो टॉप लेवल सर्वर पे जब ये रिक्वेस्ट आएगा तो टॉप लेवल सर्वर क्या करेगा इसके पास टॉप सिक्स डोमेन नेम का सर्वर अवेलेबल है तो इसमें से ये क्या करेगा इसको फाइंड आउट करेगा डॉट कॉम का क्या आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेगा आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेगा और ये आईपी एड्रेस ये जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है ये रिक्वेस्ट किसने किया होगा किसी ने किसी क्लाइंट ने किया होगा तो इस क्लाइंट को ये रिप्लाई कर देगा क्या करेगा रिप्लाई करेगा नाउ द क्लाइंट इज एबल टू नो द आईपी एड्रेस ऑफ डॉट कॉम डॉट कॉम अब नेक्स्ट फेज में ये क्लाइंट क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा किसको ऑथोरिटेटिव सर्वर को आप इसको नाम दे सकते हो ऑथोरिटेटिव सर्वर और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसके आईपी एड्रेस के लिए अब डॉट कॉम का तो मिल गया अब सोचो ना मेरे दोस्त ऑथोरिटेटिव सर्वर कुछ इस तरह से होगा अब डॉट कॉम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे ये हमारा सपोर्ट डॉट कॉम का है डॉट कॉम का है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइज होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन होंगे इसके अंदर फेसबुक है फेसबुक है एमेजॉन है ठीक है ना एमेजॉन है एंड ऑन बहुत सारा सर्वर अवेलेबल है डॉट कॉम के अंदर तो डॉट कॉम के पास जब जाओगे तो डॉट कॉम के अंदर इट सेल्फ बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में से वो किसको उठाएगा फेसबुक को ठीक है ना तो इसके पास जो रिक्वेस्ट जा रहा है वो रिक्वेस्ट कैसा जा रहा है तो द क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर फेसबुक डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम और यह रिक्वेस्ट नंबर कितना हो गया फ्री हो गया तो डॉट कॉम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है उसमें से फेसबुक का वो आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा किसको ये रिटर्न करेगा किस क्या आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक डॉट कॉम बात समझ में आ रहा है

सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको दिया हुआ है डब्ल्यू 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 डॉट गेट अकेडमी डॉट को डॉट इन ठीक है ना डॉट को डॉट इन तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई इसके लिए एक मैसेज जाएगा ठीक है ना दूसरा मैसेज इसके लिए जाएगा ठीक है ना इस तरह से इसके लिए जाएगा तीसरा मैसेज इसके लिए जाएगा यह बात समझ में आ रहा है सभी लोग तो सबसे पहला मैसेज जाएगा इसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए दूसरा मैसेज जाएगा डॉट को डॉट आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए और तीसरा मैसेज जाएगा इसका एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए तो टोटल टोटल जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज है वो कितना हो जाएगा सिक्स तो ये हो गया इटरेटिव मैथड नाउ लेट्स लुक अपॉन लेट्स लुक अपॉन द रिकर्सिव मैथड ठीक है लेट्स लुक अपॉन द रिकर्सिव मैथड ठीक है मैथड तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं इस डायग्राम को आप पहले बना लो ठीक है ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसको पहले आप बना लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है, है ये हमारा सॉरी ये हमारा यूजर है ठीक है ना ये यूजर है ये हमारा नेम सर्वर है नेम सर्वर ये रिक्वेस्ट नंबर वन है जो पहले कहा जा रहा है नेम सर्वर पे जा रहा है ठीक है ना ये इसको रिक्वेस्ट किया इसने रिप्लाई किया ठीक है ना आ, उसके बाद ये भी यहां पर क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये आपका रिप्लाई कर रहे हैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये आपका क्या कर रहे हैं रिप्लाई कर रहे हैं ठीक है ना ये जो है ये हमारा रूट नेम सर्वर है ठीक है दिस इज कॉल्ड रूट नेम सर्वर जैसे कि वहां पर जो मैंने लिखा था ऐसे लिखा था ना एक्स वाई जेड इसके अंदर तीन है अब इसके अंदर भी तीन है तो यहां पर ये क्या है दिस इज द रूट तो यही रूट को मैं वहां इंडिकेट करना चाह रहा हूं रूट नेम सर्वर गुलाम टीओसी होगा जिन स्टूडेंट का छूटा हुआ है उनके लिए तो होगा ही ना ये रूट नेम सर्वर है और ये सभी ठीक है ना हिरारिकल में नेम सर्वर है ठीक है ना तो इसको आप बोल सकते हो इस तरह से नेम सर्वर वन नेम सर्वर टू इस तरह से चलता रह रहा है ठीक है ना नेम सर्वर वन नेम सर्वर टू इस तरह से चलता रहेगा तो देखिये यूजर जो है वो पहले अपने लोकल नेम सर्वर पे इसको हम लोग कभी कभी लोकल डीएनएस भी बोलते लोकल डीएनएस ठीक है ना तो देखिए जनरली फैक्ट क्या होता है कि मैं यूजर हूं ठीक है ना मैं यूजर हूं मैं किसी वेब सर्वर के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ढूंढ रहा हूं तो बेटर ऑप्शन क्या होगा भाई एक मेरे ही सिस्टम पे मेरे सिस्टम के अंदर ही लोकल छोटा सा डीएनएस बन जाए जिसके पास मैं क्या करूं जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज के नेम सर्वर हैं उसके आईपी एड्रेस को सिस्टम मेरा क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है कैश मेमोरी के तरह लोकल डीएनएस इज नथिंग न कैश ए मेमोरी सपोज कुछ ऐसे वेब पेजेस हैं या कुछ ऐसे सर्वर हैं जिसको क्लाइंट फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहा है तो उस वेब सर्वर का डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ये मेरे लोकल डीएनएस में स्टोर है लोकल डीएनएस में क्या है मेरे दोस्त स्टोर है बात समझ में आ रहा है जिसको यूजर जो है वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा है उसका उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग ठीक है ना जो आईपी एड्रेस है ये हमारे लोकल डीएनएस में ही क्या होता है स्टोर होता है तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ठीक है ना लोकल डीएनएस स्टोर फ्रिक्वेंटली स्टोर आईपी एड्रेस ऑफ ठीक है ना आईपी एड्रेस ऑफ फ्रिक्वेंटली एक्सेस डोमेन नेम फ्रिक्वेंटली एक्सेस डोमेन नेम ठीक है ना डोमेन नेम ठीक है ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है जितने भी जैसे कि आप फेसबुक डेली चला रहे हो जी डेली चला रहे हो तो इन सब के करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है आपके लोकल डीएनएस पे पहले से स्टोर होता है ठीक है ना अब हम लोग बात करते हैं सपोज यूजर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए डोमेन नेम डब्ल्यू 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 डॉट गेट अकेडमी डॉट ए सी डॉट इन तो मुझे पता है लुकअप हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है ठीक है ना राइट टू लेफ्ट

पर जाएगा ओके okay, ये आइटरेटिव मैथड हो गया ठीक है ना? Like uh, ये recursive method नहीं है। इसी को रिकर्सिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दिस इज द आइटरेटिव मैथड ठीक है ना ये आइटेरेटिव हो गया है इसको आप हेडिंग को चेंज कर दो ठीक है ना यू कैन जस्ट से दिस इज दैथड ठीक है तो ये लोकल रूट नेम सर्वर पे जाएगा तो रूट नेम सर्वर जो है इसको तो डॉट इन हमारा डॉट इन का नेम तो सर्वर है ठीक है ना तो डॉट के अंदर बहुत सारे नेम सर्वर होंगे ठीक है ना तो ये रिक्वेस्ट पांचवे में, में कहा जाएगा इस सर्वर के पास जाएगा डॉट इन वाले के पास जाएगा ठीक है ना डॉट तो इन इसको आईपी एड्रेस देगा किसका तो डॉट ए सी डॉट इन वाले का आईपी एड्रेस मिलेगा response में। तो ये इसके जाएगा। अब ये क्या है तो डॉट ए सी डॉट इन अब इसके अंदर बहुत सारे डोमेन नेम है जिसमें से एक कौन है जीए है ठीक है ना तो ये सेवेंथ रिक्वेस्ट जा रहा है ठीक है ना और एट रिक्वेस्ट में इसको रिप्लाई आ रहा है क्या? तो आईपी एड्रेस ऑफ जीए डॉट एसी डॉट ठीक है ना तो अगर आप लोकल डीएनएस को स्किप करते हैं तो यूजर का सबसे पहला रिक्वेस्ट कहां जाता है रूट नेम सर्वर पे इफ सपोज द सिस्टम इज नॉट कंटेनिंग द लोकल डीएनएस देन द रिक्वेस्ट विल गोज मतलब ये वाला स्टेप्स खत्म हो जाएगा या आप इसको खत्म कर दो तो भी request response message कितने होने छे होने हैं? ये request गया सबसे पहले रूट पे रिप्लाई आया फिर गया name server one पे फिर रिप्लाई आया फिर इस पे गया। में आ रहा है? तो ये देख करके लग रहा है दो दो चार दो छे। ठीक है ना तो ये हमारा आईटेटिव मैथड होता है रिकर्सिव मैथड में इसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है जो मैंने डायग्राम बनाया इसको आप लिख लो इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा कुछ करना नहीं है इसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है ये बात तो समझ में आ रहा है इसी में मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं देखना इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं ठीक है ठीक है ना तो रिकर्सिव मेथड में क्या होता है ये रिक्वेस्ट यहां पर गया तो अब ये यहां पर जाएगा इस तरह से

देखिए यहां पर इसने रिक्वेस्ट किया है तो ये रिक्वेस्ट कर रहा था किसके किसके लिए तो इट वाज रिक्वेस्टिंग फॉर आईपी एड्रेस ऑफ डॉट इन आईपी एड्रेस ऑफ डॉट इन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है यहां पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए तो डॉट सॉरी रूट नेम सर्वर से ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना ये रिक्वेस्ट कर रहा है आईपी एड्रेस ऑफ डॉट इन ठीक है ना डॉट इन ठीक है और यहां पर कुछ गायब हो गया है क्या ठीक है ना ये रूट सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्टिंग फॉर द आईपी एड्रेस ऑफ डॉट इन तो ये 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 रूट सर्वर ये सेंड कर रहा है इसके रिक्वेस्ट को आगे की तरफ ठीक है ना तो ये रिक्वेस्ट फिर यहां पर जा रहा है तो यहां पर ये आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा किसका जीए डॉट एसी डॉट इनका तो ये आ रहा है थ्री इन सबको आप डिलीट कर दो ये अंडरस्टूड है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो थ्री फोर फाइव ये जाएगा सिक्स सेवन और ये जाएगा हमारा तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कोई चेंजेस नहीं आना है जो आइटिव मेथड चल रहा था उसी को हम लोग रिकर्सिव वे में सप्लाई कर रहे हैं ठीक है ना उसी को हम लोग रिकर्सिव वे में क्या कर रहे हैं

तो यहां पर नंबरिंग सिस्टम थोड़ा सा गलत हो रखा है ये वन है तो ये टू होगा ठीक है ना ये सारा नंबरिंग सिस्टम गलत हो गया ठीक है ना ये इस तरह से तो ये है दिस वन इज अगेन सेवन एंड दिस वन इज एट तो ये बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी है रिलेटेड विद द रिलेटेड विद द एप्लीकेशन लेयर अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो आप गेट के किसी भी क्वेश्चन को बना दोगे ठीक है ना गेट का कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा किसी के पास अगर एप्लीकेशन लेयर लेयर का का किसी के पास भी अगर एप्लीकेशन फाइल है तो वो मुझे शेयर करे बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूं इफ एनी वन हैज लाइक फाइल ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्लीज शेयर लेथ मी कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको स्क्रीन पे ही दे दे रहा हूं दस क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे थ्योरेटिकल टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। दस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन के ऊपर है 2005 में आया हुआ इसका आंसर बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आ, एक छोटी सी बात लिख लीजिए एस एम टी पी कुछ कमांड होते हैं ठीक है ना ये मैंने लिखवाना भूल गया था एस एम टी पी कुछ कमांड होता है ठीक है ना सबसे पहला एस एम टी पी कमांड होता है आरसी ठीक है ना आर सी पी टी और दूसरा कमांड होता है हेड अच्छा सॉरी हेलो दूसरा कमांड होता है हेलो हेलो हेड तो तो का होता है तो ये जो कमांड होता है ये बेसिकली यूज होता है क्लाइंट यूज टू आइडेंटिफाई इट ठीक है ना ये कमांड यूज होता है क्लाइंट यूज इट यूज इट टू आइडेंटिफाई इट सेल्फ टू आइडेंटिफाई सेल्फ यूजिंग डोमिन ने यूजिंग डोमिन ठीक है देखिए मुझे इतना तो पता है कि एस एम टीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और अगर आपको मेल को ट्रांसफर करना है तो आपको रेसिपिएंट का और खुद का मेल आईडी पता होना चाहिए मेल आईडी इज नथिंग बट द डोमेन नेम ऑफ यूजर तो यह मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं आरसीपी ज द कमांड यूज बाय द एस एम टी पी प्रोटोकॉल ठीक है ना टू आइडेंटिफाई इट सेल्फ खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए कमांड यू कैन से यू कैन से और दूसरा कमांड जो होता है ठीक है ना दूसरा जो कमांड होता है दैट इज हेलो हेलो कमांड जो है ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई रेसिपियंट टू आइडेंटिफाई ठीक है ना रेसिपिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ये दो कमांड है इसको लिख लो किसी के पास एप्लीकेशन लेयर का फाइल है तो मुझे एक बार ट्रांसफर कर दे तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं सारा एप्लीकेशन लेयर का फाइल है क्या किसी के पास मुझे सेंड कर दीजिए तब तक मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहीं पर दे दे रहा हूं इसका आंसर क्या होगा भाई तो देखिए हेड कमांड एस टी टीपी यूज करता है तो हेड कमांड एस टी टीपी यूज करता है यही दोनों ऑप्शन में है ठीक है ना आरसीपीटी कमांड एस एम टीपी यूज करता है ठीक है ना तो एस एम यहां पर है तो देख करके लग रहा है कि ये वाला हमारा सही आंसर होगा तो यहां पर कभी भी इस तरह का सिचुएशन आता है ना तो इस सब को भी एड ऑन कर दीजिए प्रॉम्प्ट जो कमांड है ये यूज होगा किसके थ्रू एफटीपी के थ्रू तो आप क्या करो कि एफटीपी में एक और कमांड ऐड कर दो दैट इज नेट पे जाकर के सर्च कर लेना ये कमांड करता क्या है ठीक है ना अगर आप इसके वर्किंग के बारे में जानना चाहते हैं तो एक और कमांड यहां पर यूज कर लो क्योंकि गेट में इसी तरह के क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है इसके बारे में बताओ 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है सही है है भाई हेलो जो कमांड है, ठीक है ना रेसिपिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है कौन एस एम टी पी ठीक है ना और पोर्ट कमांड जो है ये बेसिकली यूज करता है सो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है ना डी विल बी द राइट आंसर चलिए इसका आंसर बताइए 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए कोई एक मुझे एप्लीकेशन लेयर का फाइल शेयर करिए करिए मैं सारा क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं। इसको भी ट्राई बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसके अलावा मैं आपको सात आठ प्रॉब्लम और दे रहा हूं सभी को ट्राई करो मैक्सिमम दस मिनट लगेगा देखना है थोड़ा सा नोट्स रिवाइज करना है और सॉल्व करना है दैट्स ऑल दस मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं सभी को सभी लोग बन गए भाई आसान सा क्वेश्चन रहता है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहता है ठीक है ना और इसी टाइप के क्वेश्चन आता है जितना मैंने आपको दिया है ठीक है ना इसी टाइप के थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ठीक है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट मैचेस मस्ट बी ऑपरेटेड विथ मोर देन वन सर्वर किस केस में मोर देन वन सर्वर से ऑपरेट होता है ऑब्वियसली बात है डीएनएस में ही होगा कौन से केस में एक से ज्यादा सर्वर पे ऑपरेट होता है ठीक है ना ये ये पूछ रहा है ना एक से ज्यादा सर्वर पे कौन सा प्रोटोकॉल ऑपरेट होता है ठीक है ना ये वाला पार्ट तो ये डीएनएस में ही होता है तो डीएनएस में फोर मैचिंग पे एक ये है और फोर मैचिंग पे एक ये है. तो ऑब्वियस बात है कि बी एंड सी कैन नॉट बी अ राइट आंसर नॉट इनहेरेंटली सुटेबल फॉर द क्लाइंट ऑथेंटिकेशन ठीक है ना कौन सुटेबल नहीं है क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए चलो समझ में नहीं आ रहा है नॉट अ स्टेट सेंसिटिव प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल स्टेट सेंसिटिव नहीं है ठीक है ना इसके बारे में सोचना है कौन सा प्रोटोकॉल स्टेट सेंसिटिव नहीं है मतलब दूसरा वाला प्रोटोकॉल होगा ठीक है ना चलिए मे नीड टू पोर्ट ऑन द सर्वर साइड फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन सर्वर साइड पे दो पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है किस केस में के केस में ठीक तो है ना तो एफ टी पी ये कौन सा है का मैचिंग है ना तो फाइव का मैचिंग में यहां पर दिया हुआ है पॉप फाइव और ये दिया हुआ है एफ टी पी तो देख करके लग रहा है डी विल बी द राइट आंसर ठीक है ना डी विल बी द राइट आंसर ठीक है डी विल बी द राइट आंसर बाकी के ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बना हो जो डिस्कस करने की जरूरत है एनी क्वेश्चन जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है जो नहीं बना हो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे कमांड बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं यहां से ठीक है ना अब ये है इस तरह का क्वेश्चन जनरली अब आपसे नहीं पूछेगा आप आगे जाओगे ना आगे जाओगे तो पढ़ोगे जब आप एमटेक में जाओगे तो आप पढ़ोगे ठीक है ना ये सब हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रोटोकॉल है पी टू पी का मतलब होता है पीयर टू पीयर पीयर टू पीयर नेटवर्क में ये सब प्रोटोकॉल यूज होते हैं नेपस्टर काजा डीसी प्लस प्लस ठीक है ना ये सब जो प्रोटोकॉल्स है ये सब पीयर टू पीयर नेटवर्क में इंप्लीमेंट होते हैं ठीक है ना तो ये पुराना क्वेश्चन है अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क पहले था कि थ्योरेटिकल में पूछ लेता था जैसे कि आप आपको मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग का दो चैप्टर आप पढ़ करके आना तो स्टार्टिंग के दो चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहां पर पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में बोला गया है और जो मेरा एमटेक का थीसिस था था वो इसी पे था पूरा मैंने जो एमटेक पे काम किया था ना वो पूरा का पूरा पीयर टू पीयर नेटवर्क पे ही मैंने काम किया था ठीक है ना तो काजा एंड डीसी प्लस प्लस ये सब पीयर टू पीयर नेटवर्क का पार्ट होता है तो इसको अगर मैच कराना हो तो हम लोग किससे मैच कराएंगे इससे मैच कराएंगे तो टू का सी टू का सी कहां पर है भाई तो टू का सी एक यहां पर है और एक यहां पर है मतलब ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना डीएनएस डीएनएस क्या करता है पॉइंट टू पॉइंट पी टू पी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट कैशिंग फायर क्या है ठीक है ना क्या है स्लिप नहीं पता इसके बारे में हमें क्या करता है स्लिप वी डोंट नो ठीक है ना प्रॉक्सी सर्वर प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है कैशिंग करना प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है मेरा दोस्त कैशिंग को हैंडल करना ठीक है ना तो प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली कैशिंग हैंडलिंग में हमारा काम आता है तो इसको भी देख करके लग रहा है कि डी विल बी द राइट आंसर प्रॉक्सी सर्वर में हम लोग क्या करते हैं ठीक है ना जो भी रिसेंट एक्टिविटीज है उसी को कैश करके रखते हैं ना उसी को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के लिए कैशिंग का काम करेगा जैसे कैश मेमोरी आप लोग पढ़ते हो ठीक है ना तो डी विल बी द राइट आंसर तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है इफ यू नो सम ऑफ द थिंग्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन मैचिंग पेयर में ये एडवांटेज होता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक दो का भी पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स 2011 में पूछा गया है ठीक है ना और हम लोग सभी टर्म से फैमिलियर है चाहे वो एस टी टीपी हो एस एम टीपी हो पॉप हो चलिए देखते हैं फ्रॉम मेल क्लाइंट टू द मेल सर्वर मेल क्लाइंट से मेल सर्वर में ई मेल सेंड करने के लिए क्या यूज करते हैं ठीक है ना तो पॉप थ्री या पॉप कुछ भी बोल सकते हैं तो ये ये, ये. सॉरी 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 पॉप थ्री यूज नहीं करते हैं क्या यूज करते हैं भाई क्लाइंट से सर्वर पे भेजना है एस एम टीपी ठीक है ना तो ये नहीं हो सकता है ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है और ये हो सकता है मतलब कि सी और बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है ठीक है ना डाउनलोड एंड ई मेल फ्रॉम द मेल सर्वर टू द मेल क्लाइंट। अब मेल सर्वर से मेल क्लाइंट पे ईमेल डाउनलोड करने के लिए क्या यूज करते हैं पॉप थ्री जिसको आप सिंपली पॉप भी बोल सकते हैं ठीक है ना तो यहां पर दिया हुआ है एफटीपी और यहां पर दिया हुआ है पॉप सो सी विल बी द राइट आंसर तो इसी टाइप का आपको थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एक क्वेश्चन रहता लेयर का जो है। लेयर का जो है, ये वन मार्क्स का है एक आपको थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बस मिल जाएगा ठीक है ना एक ही क्वेश्चन है जो अभी तक मजेदार टाइप का पूछा गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है ना उसपे ले चल रहा हूं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो ठीक है ना जिसके बारे में ऑलरेडी यू नो ये क्या हो गया काफी बड़ा हो गया क्या हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ दो 2022 का क्वेश्चन है इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है अब नेटवर्किंग आपको बनाना आता है यह एप्लीकेशन लेयर से फुल्ली रिलेटेड नहीं है यह एक्चुअली में नेटवर्क लेयर लेयर का ये का क्वेश्चन है एक्चुअल में नेटवर्क क्वेश्चन है एप्लीकेशन लेयर से फुल्ली ले कनेक्टेड नहीं है इसके बारे में बताइए ऑलरेडी आपको पता है कि अगर नेटवर्क का डिजाइन दिया हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट करने हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑलरेडी यू नो दैट ठीक है ना मैंने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 2022 का ये आया हुआ क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन हैज बिन आस्ट इन 2022 इसी साल पूछा गया था फायर के बारे में तो कभी सुने हो ना फायर का, का काम क्या होता है अनऑथराइज डेटा को सिस्टम पे एंटर करने से रोकना नाम ही है फायर ठीक है ना कि आपके सिस्टम पे कोई भी अनऑथराइज डेटा आ रहा है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है तो फायर इज नथिंग बट अ कंप्यूटर ठीक है ना इस क्वेश्चन का आंसर बताइए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे नहीं होने वाला है थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए जैसे कि ये एक राउटर है तो इस राउटर के कारण एक नेटवर्क तो ये क्रिएट हो जाएगा ठीक है ना अब ये इथरनेट है इथरनेट जो है ये डेटा लिंक लेयर का डिवाइस होता है क्या होता है डेटा लिंक लेयर का डिवाइस होता है तो यहां पर अगर आपने इथरनेट डिवाइस यूज किया है ये एक डिवाइस यूज किया हुआ है तो डेफिनेटली ये डिवाइस कैसा होगा स्विच होगा और स्विच के कारण नेटवर्क क्रिएट नहीं होता है नेटवर्क हमेशा राउटर के कारण क्रिएट होता है यस yes स्विच डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है वहां पर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ही होगा तो स्विच के कारण कभी भी कोई नेटवर्क क्रिएट होगा क्या नहीं नेटवर्क हमेशा हम लोग क्रिएट करते हैं किससे राउटर की मदद से तो ये पूरा एक नेटवर्क है ठीक है ना दिस इज द नेटवर्क नंबर वन और आपको याद होगा वो वाला प्रॉब्लम ठीक है ना मैं हिंट्स दे रहा हूं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं मूवमेंट ऑफ पैकेट्स में या 2008 का जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था आप होप यू रिमेंबर 2008 का जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस तरह से या आप मूवमेंट ऑफ पैकेट ले लो किसी को भी ले लो मुद्दा समझने का है ठीक है ना एक होस्ट यहां पर है एक होस्ट पर है और यहां पर नंबर ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफाई करना था तो कितने नेटवर्क बन रहे एक इस राउटर के कारण नेटवर्क बन रहे एक इस राउटर के कारण नेटवर्क बन रहे और मेरे दोस्त दो राउटर के बीच में भी तो एक नेटवर्क होगा ना क्योंकि रियलिटी में रियल लाइफ एप्लीकेशन में राउटर के हर एक पोर्ट को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है तो यहां पर नंबर ऑफ नेटवर्क कितने थे वन टू एल थ्री तो दो राउटर को कनेक्ट करने वाला लिंक भी एक नेटवर्क की तरह बिहेव करता है ठीक है ना ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं ऑलरेडी सब चीज हम लोग जानते हैं गुलाम सोचो भाई सोचो ऐसे नहीं काम चलेगा अब ये दो राउटर को कनेक्ट करने वाला पार्ट ये भी एक नेटवर्क तरह ही होगा ना उस, उस हिसाब से अंदर वेब सर्वर है तो ये भी एक नेटवर्क के अंदर है भाई इसके अंदर एक वेब सर्वर है आप चाहो तो चार पांच वेब सर्वर कनेक्ट कर सकते हो तो ये नेटवर्क नंबर क्या है थ्री है ठीक है ना अब ये स्विचिंग डिवाइस है इथरनेट लाइन है ना तो डेफिनेटली दिस इज स्विचिंग डिवाइस तो ये भी एक नेटवर्क होगा ठीक है ना ये भी एक नेटवर्क होगा दिस इज नेटवर्क नंबर फोर अब ये राउटर और फायर वाल फायर ये हमारा एक कंप्यूटर है ठीक है ना एक कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है तो इसके कारण भी एक नेटवर्क क्रिएट होता है तो यहां पर ये एक नेटवर्क पॉसिबल है और इस फायरवॉल और राउटर के बीच का ये नेटवर्क पॉसिबल है ठीक है ना तो ये हो गया हमारा नेटवर्क नंबर फोर था नेटवर्क नंबर फाइव एंड दिस इज द नेटवर्क नंबर सिक्स तो इसके अंदर टोटल नेटवर्क हमें कितना दिख रहा है टोटल नेटवर्क दैट वी आर ऑब्जर्विंग इज द सिक्स बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ये 2022 में पूछा गया था आई थिंक एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये आई एग्जैक्टली रिमेंबर तो एक ठीक तो है तो भाई मेरे जर्नी अपना यहीं तक का था इतने दूर तक का साथ था आप कभी भी मौका मिला तो YouTube पे मिलेंगे अच्छे से प्रिपरेशन करिए आने वाले एग्जाम को फुल टू एनर्जी के साथ फेस करिए नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा ये सब मन में नहीं रखना है अपना मेहनत करो और उसको फेस करो जितने मार्क्स आएंगे वो आपके होंगे और लाइफ में आप कहीं पर भी रहोगे सेटिस्फाइड रहोगे भाई मैंने मेहनत किया और उसका मुझे ये आउटकम मिला ठीक है ना एटलीस्ट आप मेहनत करने का तरीका सीख जाओगे भले ही आपको आई नहीं मिल रहा है एनआईटी मिल रहा है किसी को पी नहीं मिल रहा है आई मिल रहा है कहीं पर भी रहोगे मेरे दोस्त लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे तो मन में ये सब चीजें नहीं रखना है कि मैं मेहनत कर रहा हूं डर लग रहा है वगैरह वगैरह ये सब रखना ही नहीं है ईमानदारी से बस अपना मेहनत करो ठीक है ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो प्रॉपर वे में रिविजन करो रिविजन करने का बेस्ट तरीका कभी मैंने आपको बताया होगा ठीक है ना तो उस तरीके को थोड़ा सा फॉलो करिए या कोई और भी टॉपर्स के कोई गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए ठीक है ना क्योंकि एक अच्छा टॉपर्स का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उससे अच्छा कोई आपको बता नहीं सकता है। ठीक है ना तो उसके भी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो अप कर सकते हैं मेरा जो स्ट्रैटेजी रहता है वो है हार्डवर्क का ठीक है ना क्योंकि हार्डवर्क हमेशा काम करता है स्मार्ट वर्क सभी के लिए नहीं होता सब लोग स्मार्ट नहीं होते तो मैं जो भी लॉजिक बताता हूं थोड़ा सा हार्डवर्क का ही बताता हूं कि आप लोग थोड़ा सा हार्डवर्क करिए मेहनत करिए ठीक है ना तो अच्छे से मेहनत करिए इसके बाद कोई भी डाउट रहता है कभी भी कहीं पर भी फंसते हो किसी भी तरह के सिचुएशन में आप सभी के पास मेरा टेलीग्राम नंबर है आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं चाहे प्रॉब्लम से रिलेटेड हो करियर से रिलेटेड हो काउंसलिंग से रिलेटेड हो ठीक है ना या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो मतलब कैसा भी हो कि यार मतलब दुखी है, ऐसा वैसा जो भी आपको लगता है ठीक है ना क्योंकि मैं चाहता हूं कि टिल योर गेट एग्जाम आप बाहर की दुनिया से थोड़ा सा निकल जाओ ठीक है ना फालतू का टेंशन नहीं लेना है और मस्त होकर करके पीसफुल माइंड से आपको सिर्फ मेहनत करना है तो कभी भी लगता है टेंशन है डर लग रहा है तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं आप मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे मुझे बोलेंगे कि सर मुझे बात करनी है डेफिनेटली मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा या आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं गुलाम देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लाइक उससे पिछले बत्तीस सालों में दो बार क्वेश्चन आया हुआ है बत्तीस सालों में दो बार क्वेश्चन आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत रेयर चांसेस होता है जहां पर टोकन बकेट या लिकी बकेट से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं वो टॉपिक स्किप कर रहा हूं अगर आपको पढ़ना होगा तो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से एक बार देख सकते हो बहुत छोटा सा टॉपिक है किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर करके आप देख सकते हैं डीपीपी ठीक है ना मैंने पिछले बार शायद तीन या चार डीपीपी बना कर करके दिया था अगर वो मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको डीपीपी शेयर कर दूंगा देखिए मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अवेलेबल होंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में आप सभी लोग सॉल्व करना उसके बाद इकट्ठा किसी एक दिन दो तीन घंटे का सेशन ले कर के उसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है ना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास कोई डीपीपी अवेलेबल है तो मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा सपोज मैंने आपको तीस या चालीस क्वेश्चन शेयर कर दिया आप उसको बेस्ट लेवल पे जाकर के ट्राई करना कुछ रह जाता है तो आप मुझे बताना किसी एक दिन दो तीन घंटे का क्लास प्लान कर कर करके सैटरडे संडे ही रहेगा वो दिन और अपन उसको मैनेज कर लेंगे ठीक है भाई तो आशा करते हैं इस सब्जेक्ट को सभी लोगों ने दिल से एंजॉय किया होगा मस्त तरीके से समझ में आया होगा मैंने अपने बेस्ट लेवल पे ट्राई किया है कि आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा फील दूं ठीक है ना और आपके मन का जो डर है उसको हटा दो ठीक है ना अपने लेवल से मैंने बेस्ट ट्राई किया तो मेहनत करिए आगे बढ़िए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये खत्म हो रहा है डीपीपी में आपको अगर होगा मेरे पास तो मैं आपको शेयर कर दूंगा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आना और कभी भी एक दिन दो तीन घंटे का प्लानिंग कर कर करके कर उस डीपीपी के प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे ठीक है एवरीवन हाँ, जोगेश बताओ राउटिंग टेबल का क्या डाउट है ओके हु हैव कंप्लीटेड कैन लीव द सेशन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल बताइए जोगेश राउटिंग टेबल के कौन से एंट्री को लेकर के डाउट है देखिए सबनेट मार्क्स को लेकर के कोई डाउट नहीं होगा जो भी डाउट होगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट हॉप को लेकर के डाउट होगा जोगेश, कंस्ट्रक्शन में किस एंट्री को लेकर के डाउट है चार पांच एंट्री होते हैं ना फ्लैग है सबमिट मास्क है उसके बाद आपका नेक्स्ट हॉप है इंटरफेस है कौन सा एंट्री मुझे जहां तक लग रहा है नेक्स्ट हॉप को लेकर के डाउट होगा तो देखिए जोगेश समझना जो मैंने नेटवर्क बनाया था उस नेटवर्क को आप रिकॉल करने की कोशिश करो ठीक है ना ये राउटर ऐसे है ठीक है ना बीच का स्विच मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि स्विच हमारा डेटा लिंक क्लियर का डिवाइस होता है या ले लो ठीक है ना ये राउटर एक ऐसा है ठीक है तो ये हमारा डॉट टू का नेटवर्क था तो इसको मैंने दे दिया डॉट थ्री इसको मैंने दे दिया ठीक है ना डॉट थर्टी फोर और इसको मैंने दे दिया डॉट थर्टी फाइव ठीक है ये डॉट थॉर्टी टू के नेटवर्क पे काम कर रहे हैं अब इस ये राउटर हमारा आर वन है तो इस राउटर आर वन का नेक्स्ट हॉप हम लोग बनाने जा रहे हैं ठीक है ना नेक्स्ट हॉप हम लोग बनाने जा रहे हैं ठीक है तो टोटल कितने नेटवर्क है भाई डॉट थर्टी टू का है इसके बाद जो नेटवर्क है ये हमारा डॉट जीरो का नेटवर्क है डॉट नाइनटी सिक्स का नेटवर्क है और ये वाला नेटवर्क डॉट सिक्सटी फोर का यही था ना और एक इसके बाहर जो है ये आउट ऑफ द नेटवर्क था ये गेटवे है ये गेटवे है और इसके बाहर का आउट ऑफ द नेटवर्क है ठीक है तो नेक्स्ट ऑप देखिए कैसे डिसाइड होता है सी अगर इस राउटर को इस राउटर को अगर इस वाले नेटवर्क में पैकेट सेंड करना है इस वाले नेटवर्क में इस वाले नेटवर्क में मीनस नाइनटी सिक्स पे तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा भाई इस राउटर को इस इंटरफेस का आईपी पता होना चाहिए ये yes सुनो no? इस इंटरफेस का आईपी पता होना चाहिए भाई अगर राउटर आर वन को .96 वाले नेटवर्क पे पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो इसका आईपी पता होना चाहिए ना ताकि इस आईपी के करस्पोंडिंग ये जो राउटर है ARP क्वेरी रन कर सके भाई जब तक आपको इसका आईपी पता नहीं होगा एआरपी क्वेरी रन नहीं होगा एआरपी क्वेरी रन नहीं होगा तो डेटा लिंक लेयर पे पैकेट क्रिएट नहीं होगा पैकेट क्रिएट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन रुक जाएगा ठीक है ना तो अगर हमें डॉट नाइनटी सिक्स वाले नेटवर्क पे पैकेट फॉरवर्ड करना है तो नेक्स्ट में आईपी एड्रेस क्या जाएगा डॉट थॉर्टी फाइव सी अगर डॉट टू वाले नेटवर्क पे पैकेट फॉरवर्ड करना है डॉट टू जो यही है यही है तो नेक्स्ट हॉप की जरूरत है क्या मतलब होस्ट जो है वो इसी नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है इसी नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है तो राउटर वो आरबन क्या करेगा सिंपली यहां से पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा तो ये डिसीजन तो हम लोग इंटरफेस से भी ले सकते हैं ना तो डॉट थर्टी टू का ब्लैंक रहेगा नेक्स्ट हॉप ब्लैंक का मतलब क्या है ब्लैंक का मतलब क्या है कि ये जो नेटवर्क है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर आरबन से सिमिलरली डॉट सिक्सटी फोर वाले नेटवर्क पे अगर आपको पैकेट सेंड करना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा तो डॉट सिक्सटी फोर वाला नेटवर्क भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो तो नेक्स्ट हॉप में नथिंग अगर .0 वाले नेटवर्क पे आपको पैकेट फॉरवर्ड करना है है तो इसका आईपी एड्रेस पता होना जरूरी क्योंकि डॉट जीरो वाला जो नेटवर्क है वो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ये दूसरे राउटर के थ्रू कनेक्टेड है तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा ये राउटर और इस राउटर के इस पॉइंट का आईपी एड्रेस कितना है भाई तो .34. मेरे दोस्त जनरल सा है सोचो ना अगर इसका आईपी पता नहीं होगा तो ये ए आर पी क्वेरी कैसे रन करेगा में आ रहा है भाई मेरे भाई मेरे जोगेश इस राउटर से दो इंटरफेस है एम जीरो एंड एम वन समझ रहा अगर इस राउटर को पैकेट फॉरवर्ड करना है इस नेटवर्क में इस नेटवर्क पे तो यहीं से फॉरवर्ड करेगा ना तो इंटरफेस क्या होगा M0. अब सोचना इस राउटर को अगर पैकेट फॉरवर्ड करना है .32 वाले पे तो डेफिनेटली वो यहां से फॉरवर्ड करेगा तो .32 टू वाले पे एम वन अगर इस राउटर को पैकेट फॉरवर्ड करना है नाइनटी सिक्स वाले पे तो इस इस राउटर के थ्रू दो ही रूट निकल रहे एम जीरो तो अब या तो आप 96 में पैकेट सेंड करना चाहते हो या डॉट जीरो पे या डॉट थर्टी टू पे तीनों केसेस में पैकेट यहीं से बाहर निकलेगा ना तो बाकी सारे केसेस में पैकेट जो है वो एम वन से ही बाहर निकलेगा कोई और दूसरा रास्ता है क्या नहीं है ना इफ यू वॉन्ट टू सेंड द पैकेट इन द डॉट थर्टी टू डॉट जीरो डॉट नाइनटी सिक्स नेटवर्क इन ऑल द केसेज द पैकेट विल बी फॉरवर्डेड थ्रू द इंटरफेस एम वन कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं समझ में आया जोगेश चलो चलो क्लियर है चलिए चलो जोगेश आ, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर दूं उसको आप सभी लोग ट्राई करना और एक दिन अपन क्या है कि सेशन प्लान कर कर करके उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे ठीक है भाई चलिए भाई मस्त रहिए मजे में रहिए मेहनत करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए ठीक है सो बाय एवरी वन मस्त रहिए गुलाम कभी भी कोई डाउट रहा करे तो मुझसे पूछ लिया करो टेंशन नहीं लेना चलो तो भाई सभी लोग